खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां कुशल गांव बाजार में अनुपम रामलीला समिति के बैनर तले रामलीला का मंचन शानदार तरीके से चल रहा है। अनुपम रामलीला समिति के संरक्षक शिव प्रसाद गुप्ता और मुन्ना भैया अनिल गुप्ता हैं। अध्यक्ष राम सकल मोहर, कोषाध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता, विवेक अग्रहरी हैं। सीमित सदस्य सनी गुप्ता, उत्तम मदेसिया, रमेश विश्वकर्मा, संजय मौर्य, रामचंद्र आदि रामलीला को लेकर एक छोटी सी मुलाकात अनुपम रामलीला समिति के संरक्षक शिव प्रसाद गुप्ता से हमारे संवाददाता महफूज खान ने की और रामलीला को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। गाँव में कुकल गाँव जो की आजमगढ़ जिले में पड़ता है, हमारे बगल में रामलीला समिति के तमाम सम्मानित गण बैठे हुए हैं। लोग एक छोटी सी मुलाकात कराएंगे उनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि रामलीला कब से हो रही है और कितने गांव की जनता यहां तक आती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं जो आप हमारे विधानसभा में आए। मैं शिवप्रसाद गुप्ता अनुपम रामलीला समिति का संरक्षक हूं और इसी गांव का निवासी हूं। और मैं सबसे पहले अपने उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस अनुपम रामलीला समिति में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया उनको बार बार बधाई के पात्र हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत से मीडिया का संचालन हो रहा है। क्या समिति यही है कि बदली हुई है? नहीं, जो समिति तो वही है लेकिन उसमें कुछ लोग बदलाव आए हैं। जो कुछ पुराने कार्यकर्ता थे वो चले गए, उनकी जगह पे नए कार्यकर्ता आए हैं। अब की बार जो हमारी अनुपम रामलीला समिति थी वो एक नए और नवयुवक के द्वारा पहले की अपेक्षा समाज किया गया है। जो भी रामलीला में कलाकार आते हैं, क्या ये सभी बाहर के लोग हैं कि क्षेत्रीय जनता ही के लोग मंचन करते हैं? हमारी अनुपम रामलीला समिति के जो भी कलाकार हैं वो गांव के ही बच्चे हमारे हैं, बाहरी नहीं है। सबको गांव के ही लोगों द्वारा मंचन किया जाता है और उन छोटे छोटे बच्चों द्वारा बहुत ही अभूतपूर्व और शानदार तरीके से मंचन किया गया। इतनी मंचन बदौलत लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए और 8 से 10 गाँव की पब्लिक यहाँ आई इसकी बार और बहुत ही बढ़िया भीड़ रही और बहुत ही बढ़िया लोगों ने प्रशंसा भी किया हमारे कार्यक्रम को। हमारे छोटे छोटे बच्चों का तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से जो है कि अपने काम को अंजाम दिया और हमारे अंतर रामलीला से शीर्ष को पहुँचाया। इतने सालों से ये रामलीला चल रही है, ऐसा हो चुकी है, क्या कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी काम को करने के लिए मन की ज़रूरत होती है। अगर मन में उत्साह होगा तो निश्चित तो सफलता मिलेगी। और हमारे जो छोटे छोटे कलाकार हैं उनके अंदर एक अभूतपूर्व उत्साह था और उसी उत्साह की बदौलत ये जो सफलता हमको मिलती है, उसी उत्साह और उनका जो जोश होता है, जिस जोश खरों से वो काम करते हैं और जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है उसमें बहुत ही मेहनत करते हैं बेचारे। और मेहनत करने के बाद साथ साथ जो है कि उस पर अमल भी करते हैं और अपने जो उनके जो बड़े होते हैं, जो भी समिति के बड़े अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी बातों का सम्मान भी करते हैं। उसी की बदौलत ही हमारी अनुपम रामलीला समिति का सफल होती है और उसकी आगे भी सफल होती है। देखिए, भगवान राम का चरित्र तो ऐसे ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं किया जाता। उन्होंने जो त्याग किया आज के जमाने में आप देखेंगे तो लोग थोड़ी सी चीज़ों के लिए भाई से भाई का मतभेद हो जाता है, परंतु उनके चरित्र हम जाते हैं तो अयोध्या जिसमें राशि वचन को ऊपर मार के सिर्फ एक वचन पालन करने के लिए अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए 14 वर्ष वन चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके आदर्शों को इसी तरह प्रभावित होते हैं और अभी भी असल ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं कुछ अमल तो जरूर होता है, शायद उसी का दौरान दुनिया चलती है, नहीं तो फिर आतंक तो राष्ट्र का है। और हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं, हमारे एक तरीके से कहा जाए कि इस अनुपम रामलीला से बहुत ही वरिष्ठ कलाकार और इनकी तबीयत भी खराब है फिर भी हम लोगों के साथ जुड़े रहे और बहुत बड़ा श्रेय है कि हम इस बार सफलता प्राप्त किए। उनकी बदौलत शायद हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम भी किए। ये कुशल डायरेक्टर जो होता है किसी भी काम के लिए क्षमता तो सबके अंदर होती है लेकिन उस क्षमता को किस तरह से यूज़ किया जाए वो जरूरी होता है। और उस तरह की काबिलियत हमारे जो बगल में बैठे हुए श्री संजय मौर्य जी हैं, ये इससे पहले क्या लक्ष्मण का किरदार करते थे और अभी हमारे बीच में डायरेक्टर का रोल कर रहे हैं और एक तरीके से हमारे संरक्षक भी कहा जाए तो गलत नहीं है। बैठे हुए हमारे अनुपम रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री राम सकल मौर्य जी हैं और एक यूँ कहा जाए कि किस तरह से जो
लोगों के अंदर एक काबिलियत होती है उसको बाहर लाया जाए, इन्होंने उसको निचोड़ के बाहर लाया और इस अनुपम रामलीला समिति जो हमारी बंद होने के कगार में पहुंची थी उसको फिर से खड़ा कर दिया और एकदम नए तरीके से खड़ा किया, नए विश्वास के साथ खड़ा किया, नए जोश के साथ खड़ा किया। आ रहे थे हम शिव प्रसाद गुप्ता मुन्ना भैया थे और मेरी मुलाकात कराने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो यहाँ पे रामलीला जो सफल संचालन हो रहा है, ये जब संचालन होता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है आम जनता पर भी पड़ता है, बच्चों पर भी पड़ता है कि भगवान पुरुषोत्तम राम की लीलाओं को देख के उनके अंदर एक अच्छा व्यक्ति बनने का गुण पैदा हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।